भाई अभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और हम लोग आए हैं एक्सरसाइज करने। ये रही मेरी बेटी, ये भी उठ गई है सुबह सुबह। अब तंग करेगी मुझे काका? तंग करेगा काका, वो मैं तंग करेगा ना। तो चले करते हैं एक्सरसाइज। चल ये साथ में आ गई है मुझे तंग करने के लिए। उधर से चलते हैं दूसरे दरवाजे से। शूज मैं अपने ले आई हूँ, इधर पहनूंगी। लाइट्स ऑन करेंगे अभी हम। चले मैं शूज पहन लूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई आधा घंटा वॉक करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और देखते हैं ऊपर जाके क्या खाते पीते हैं, क्योंकि वॉक करने के बाद एनर्जी इतनी डाउन हो गई है कि जाके ऊपर कुछ ना कुछ बना के खाती हूँ या पीती हूँ, देखते हैं। तो ऊपर आके अभी मैं रशियन सैलड खाने लगी हूँ जो कि हम लेके आए थे बाहर से, बहुत मज़े की है। तो चलें, ये हेल्दी भी होती है, इसमें ज़्यादा फैट नहीं है, चलें खाते हैं। टूट गया नानी का पर्दा ना। ईमान सुद्दी भाई उड्डी मूल गान रही है। आ गई तू लॉग में आ गई ऐसे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। आज अभिया को दोबारा मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभिया की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी खांसी पता नहीं कौन सी इसके जोड़ों में बैठ गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही। इतना कुछ कर लिया है, एनिमलाइज कर लिया है, हर चीज़ करके देख ली है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो आज फिर चेक करवा के आते हैं डॉक्टर को कि 7 दिन तो हो गए अभी, क्या मसला है, कितने दिन और लगेंगे इसको ठीक होने में। तो अच्छे से इसको आज फिर चेक करवाते हैं, देखते हैं अगर टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत है तो वो करवाते हैं इसके। 2 बजे जाके आ सकते, 4 बजे तो भैया अभिया को चेक करवा के आ गए हैं। डॉक्टर ने देख लिया है, बोल रहा है कि अभी इन्फेक्शन था गले में, वो थोड़ा ठीक हो गया है लेकिन अभी भी थोड़ा है। टेस्ट वगैरह लिख दिए हैं उन्होंने कि भई अगली दफ़ा जब आप 7 दिन के बाद आओ तो ये वाले टेस्ट करवा कर आइएगा, मज़ीद फिर वो बताएंगे कि अगर ना ठीक हुई तो और ट्रीटमेंट करेंगे। तो भई आज की जो हमारी नाइट पार्टी हो रही है वो हो रही है स्पैगेटी। आज मैं स्पैगेटी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पता नहीं है कितना है कितना नहीं। और साथ में एक शिमला मिर्च ली है, क्योंकि शिमला मिर्च का टेस्ट चाहिए, खाता कोई नहीं है। साथ में 2 प्याज मैंने बड़े बड़े चॉप किए हैं, और यहाँ पर टमाटर चॉप किए हुए हैं मैंने। यहाँ पर अभी ये हरी मिर्च और धनिया चॉप करना है, लेमन को एंड में डालना है। स्पैगेटी ये रही, यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्पैगेटी बनाना। एक तरफ मैं स्पैगेटी बनाना स्टार्ट करूँगी और दूसरी तरफ स्पैगेटी का जो मसाला है उसको रख देंगे हम। दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे, एक तरफ स्पैगेटी बॉयल हो जाएगी और दूसरी तरफ इसकी जो सामान है वो सारा हम रेडी कर लेते हैं। चले स्टार्ट करते हैं स्पैगेटी बनाना। तो भाई एक तरफ चिकन फ्राई हो रहा है और दूसरी तरफ पानी मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा फिर हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर देंगे। तो भाई मैं तो गर्मी में किचन में बना रही हूँ स्पैगेटी, और ये मेरी शहजादी मुझे कंपनी दे रही है, मामा के साथ बैठी हुई है, नीचे से कचरा उठा के खा रही है। कचरा नहीं खा चीजू। तो भी यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका है और यहाँ पर मसाला बन रहा है स्पैगेटी का, जिसके अंदर हम चिकन को डालेंगे लेकिन 2-3 मिनट बाद। और यहाँ पर अभी तक पानी में बॉयल नहीं आया, जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम स्पैगेटी ऐड करेंगे। और चिकन इस तरह से भी बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल रेडी है, अभी हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे इसको।
तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह स्पेगेटी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत यमी सी है। ऊपर मैंने इसके धनिया डाल दिया है और साथ में लेमन रख दिया है, जो कि लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस अभी हम लोग खाते हैं स्पेगेटी, और भाभी वगैरह के लिए भी डाल के मैं उनको उनके रूम में देकर आ जाऊँगी, क्योंकि रात के बज रहे हैं 4 और इस टाइम हम लोग स्पेगेटी खाने लगे हैं। तो सब अपने अपने रूम में, तो उनको हम रूम सर्विस देकर आते हैं और फिर खाते हैं। तो भाई अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय, चाय के साथ खाने लगे हैं बिस्किट, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं आजकल मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और हमारी मॉर्निंग आप लोगों को पता ही है जैसे कि पाकिस्तान में होती है 4 बजे या 6 बजे, तो आजकल हमारी मॉर्निंग होने लगी है 9 बजे, क्योंकि हम लोग सुबह के 11 बजे सोने लग गए हैं। टाइमिंग इतनी चेंज हो गई है, सुबह के 11 बजे ब्रेकफास्ट करके हम लोग सो जाते हैं और फिर रात को हम लोग डिनर के लिए उठते हैं। तो अभी 9:10 का टाइम है, तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं चिकन रोस्ट किया है, साथ में हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया है, साथ में चिकन विंग्स हैं। तो भाई ये चिकन विंग्स और इनकी जो फ्राइज़ है ना, पता नहीं उसमें ये ब्लैक ब्लैक क्या है, पता नहीं किस ऑयल में उन्होंने फ्राइज़ बना के भेज दी है। बाकी विंग्स और ब्रोस्ट तो बहुत मज़े का है, फ्राइज़ मज़े की नहीं लगती मुझे इनकी लकी ब्रोस्ट की। तो बस ये बर्गर भी। तो भाई खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था और 12 बजे भाई फिर आइसक्रीम लेके आ गए और अभी हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं। मैंने सोचा था पाकिस्तान में जाके डाइटिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पर डाइटिंग का प्रोग्राम तो बढ़ गया है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें इतने मज़े की होती हैं ना कि इंसान रुक ही नहीं सकता। और जब घर में खाना खुद चल कर आए तो फिर रिजक को मना भी नहीं करते, बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। मेरा तो मानना ही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो, बाकी अल्लाह मालिक अल्लाह पाक करम करे, वेट ज़्यादा ना गेन हो। तो भाई आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से नहीं शाम से, हमारी सुबह होती शाम पर, इसलिए मैं सुबह से कह रही हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और लाइट भी गई हुई है, जनरेटर चल रहा है, वरना यहाँ पर गैस का भी मसला है, लाइट होती है तो गैस होती है, वरना लाइट नहीं होती गैस भी नहीं होती, वरना चाय बनाते हम लोग छत पर जाते हैं इंजॉय करने। कर रही है इधर पे अभी बैठे बैठे ऐसे ही अचानक बन हमारा प्रोग्राम बन गया कि बाहर जाते हैं, तो ऐसे हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। खाला की झोली में बैठ जा, खाला पास। तो भाई एक होटल खुला हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने पराठे ऑर्डर कर दिए हैं, साथ में हम लोगों ने चाय ऑर्डर की है। अभी घर आ गए हैं, हम लोगों ने प्लेटों में डाल दिया है, जो सोए हुए थे उनको भी उठा लिया है कि भाई आ जाओ नाश्ता कर लो, और अभी हम लोग सुबह के 4 बजे नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई अभी हम अभी है कि फूफो के गेट से उसको देने जा रहे हैं। नानी मारेगी क्या कर रही है गेट के साथ? तो भाई ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है जो मैंने भैया की दादी के लिए लिया है, और पिंक कलर का है दुपट्टा, इसका बहुत प्यारा है, गले पे इसके काम किया हुआ है, कढ़ाई है, दामन पे भी कढ़ाई है, बाजुओं के दोनों साइड पे कढ़ाई है, कलर भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह। भाई अभी अभी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर अभी हमने सोचा कि जिंदा मुर्गी का सदका देते हैं, अल्लाह पाक शफा देगा, तो बस अभी इसके सर से वार रहे हैं सदके के लिए। तो भाई अभी डॉक्टर आया था भैया को चेक करने घर पर ही, तो उनके लिए हमने चाय और पापे बिस्किट बनाए थे, लेकिन उनको जल्दी थी वो चले गए, तो अभी ये बैठ के हम ही चाय पी रहे हैं और हम ही केक पापे खा रहे हैं।